तो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास टेंथ का सोशल साइंस का एंड ऑफ कॉलोनियलिज्म एंड कोल्ड वॉर का नेक्स्ट टॉपिक। तो अभी कुछ दिनों से वीडियोस कंटिन्यूअसली नहीं आ रहे थे क्योंकि कुछ कारण था जिसके कारण मैं बहुत बिजी हो गया था। बट अब मैं कोशिश करूंगा कि अब जो है आपके सारे के सारे जो है वीडियोस जो है जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करो ताकि आपका एग्जाम का प्रिपरेशन जो है ना रुके और आप लोग भी अपना प्रिपरेशन करते रहो। ऐसा नहीं कि जो वीडियो आएगा उसी को पढ़ोगे, जो वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं उसको अच्छे से प्रिपेयर करो, मतलब जो जिस वीडियो को आपने देख चुका है उसको स्ट्रांग रखो, फिर जो आते जाएगा उसको करते जाना। ठीक है, चलो देखते हैं अफ्रीका के बारे में। इंडिया जिस तरीके से इंडिपेंडेंस हुआ, इंडोनेशिया किस तरीके से हुआ, वियतनाम किस तरीके से हुआ, अब आते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट पर कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट कैसे फ्रीडम जो है अचीव किए। मोस्ट ऑफ द कॉलोनीज इन अफ्रीका वेयर अंडर ब्रिटिश और फ्रेंच रूल। जो अफ्रीका के जो मोस्ट जो कंट्रीज थे वो किसके अंडर में थे या कितने किसके कॉलोनीज थे, या तो ब्रिटिशर्स के कॉलोनी थे या फ्रांस के कॉलोनी थे। While Britain was prepared to grant independence to its large colonies in Asia after 1945, it tried to retain the hold over its African colonies. जहां पर ब्रिटेन 1945 के बाद, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, एशिया में जितने भी उसके कॉलोनीज थे वो सबको इंडिपेंडेंट करने की बात कर रहा था, तैयार था इंडिपेंडेंट होंगे करके, लेकिन वहीं पर वो अफ्रीका के कंट्रीज को जो है इंडिपेंडेंट नहीं करना चाहता था। ठीक है, क्यों नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसको कॉलोनी से बहुत सारे रिवेन्यूज मिलती थी। अब अगर एशिया का भी कॉलोनी चले जाएगा, अफ्रीका की भी सारी कॉलोनी चली जाएंगी, तो क्या होगा, उसके पास रिवेन्यू का ज्यादा सोर्स नहीं बचेगा ना। इसीलिए फ्रांस टू डिड नॉट विश टू लूज इट अफ्रीकन कॉलोनीज। वहीं पर जो फ्रांस था वो भी चाहता था कि अपने अफ्रीकन कॉलोनीज को ना खोए। द फ्रेंच वॉन्टेड टू कंटिन्यू देयर रूल और टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट इन द एक्सटेंड पॉसिबल इन केस देयर कॉलोनीज अचीव देयर इंडिपेंडेंस। फ्रांस ये चाहता था कि वो कॉलोनीज तो एक तो मिस ना हो, और अगर कॉलोनीज अगर फ्रीडम हो जाती हैं तो भी उन कॉलोनीज पर कंट्रोल किसका होना चाहिए, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली फ्रांस का कंट्रोल जो है होना चाहिए, मतलब फ्रांस के इंटरेस्ट जो है, मतलब उसके फायदे जो है मिलने चाहिए फ्रांस को। द इंपीरियलिस्टिक कंट्रीज एक्सरसाइज डायरेक्ट कंट्रोल ओवर ओनली द कोस्टल रीजन ऑफ द अफ्रीकन कॉलोनीज वेयर द मेन हार्बर्स वर सिचुएटेड। अब देखो ये जो कॉलोनीज जो करने वाले जो कंट्रीज थे जिसको इंपीरियलिस्टिक बोलते हैं, इन्होंने अफ्रीका के सिर्फ कॉन्टिनेंट वाले जो एरिया थे, मतलब समुद्र के किनारे वाले जो एरिया थे, कोस्टल एरिया, सिर्फ वहीं पर कंट्रोल था। क्यों? क्योंकि वहां से ट्रेड वगैरह होता था। दे अपॉइंटेड ट्राइबल चीफ ट्रेन टू रूल ओवर द इंटीरियर रीजन। और जो अफ्रीका के जो अंदर वाले भाग थे जहां पर कोस्टल एरिया नहीं था, मतलब पूरा लैंड लॉक कंट्रीज थे, वहां पर ये क्या करते थे, फ्रांस और ब्रिटेन के लोग कुछ लोगों को हेड बना देते थे कि आप यहां पर रूल करो करके। ठीक है, और ये अपना रूल कहां पर करते थे, कोस्टल एरिया पर। क्यों कोस्टल एरिया पर, मैंने बता दिया आपको, क्योंकि उस समय बस ट्रेन इतनी तो थी नहीं, तो सारा का सारा ट्रेड जो होता था, आना जाना जो होता था, सी रूट के थ्रू होता था। तो जो कोस्टल एरिया थे वहां पर जो स्टेशन थे, समझ ले एक तरीके से पोर्ट थे, तो इसीलिए कंट्रोल वहां पर रखते थे इन लोग। None of the colonies had a viable modern administrative system. और अफ्रीका के कोई भी कंट्री में ऐसा मॉडर्न जो है वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम नहीं था जैसे हमारे इंडिया में था। हमारे इंडिया में भले ब्रिटिशर्स थे, लेकिन ब्रिटिशर्स में भी क्या थे, मॉडर्न वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था। स्टेट के लिए अलग था, डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग था, जनरल थे, गवर्नर थे, अलग अलग ऐसे इस तरीके से थे, लेकिन वहां पर ऐसा कुछ नहीं था। Nor were the colonies ruled the African interest in the developing modern education to create the indigenous educated middle class. साथ ही साथ इनका कोई भी इंटरेस्ट अफ्रीका में नहीं था कि एजुकेशन को वहां पर जो है डेवलप किया जाए, एजुकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए, ऐसा कोई भी इंटरेस्ट ना तो ब्रिटेन का था ना फ्रांस का था। लेकिन हमारा इंडिया लकीली था कि मतलब ब्रिटिशर्स के रहने के बावजूद भी हमारे इंडिया के बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने हायर एजुकेशन को प्रमोट किया, जैसे जो है मदन मोहन मालवीय थे जिन्होंने जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, उसके बाद जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, ऐसे बहुत सारे जो है उस समय जो है क्या हुआ यूनिवर्सिटीज जो है बनी थी। हमारे इंडिया में एजुकेशन के मामले में पीछे नहीं था उस समय भी। So they established very few primary or higher educational institution in the country. तो वहां पर एकदम मिडिल क्लास के लिए लोगों के लिए जो है या प्राइमरी और सिर्फ हायर एजुकेशन लेवल पर था। ठीक है, यूनिवर्सिटी वहां पर नहीं थी, सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन, हाई स्कूल का एजुकेशन तक ही अफ्रीका में था। You will recall that it was the educated middle class that spearheaded the national freedom movement in India, sought to introduce a social reform. अब देखो इंडिया में इंडिपेंडेंट होने का एक सबसे बड़ा रीजन क्या है कि जो है हमारे इंडिया में मिडिल क्लास के लोग बहुत सारे थे, पढ़े लिखे लोग थे जो लोगों को अवेयर करते थे अपने अपने कविता के माध्यम से, अपनी स्पीचेस के माध्यम से, अपने न्यूज़पेपर के माध्यम से, तो यहाँ पर लोग अवेयर हो रहे थे। अफ्रीका में ऐसा कोई नहीं था, मिडिल क्लास हो ही नहीं था, ये लोग मिडिल क्लास इमर्ज ही होने नहीं देते थे अफ्रीकन और अफ्रीका में ब्रिटिशर्स और फ्रांस वाले।
बट अफ्रीका डिड सी द डेवलपमेंट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एंड द ऑर्गेनाइज वर्किंग क्लास। अफ्रीका में क्या था, वर्किंग करने वाले लोग थे, वर्कर्स लोग थे, लेबर लोग बहुत सारे थे। विच वॉज मेनली इंप्लॉयड इन द रेलवेज, माइंस एंड द हार्बर्स। ये सब के सब कहाँ काम करते थे, या तो रेलवे में काम करते थे, या माइंस में काम करते थे, या फिर हार्बर्स में, मतलब पोर्ट्स वगैरह में काम करते थे। दिस क्लास बिगेन फाइटिंग फॉर द राइट्स आफ्टर 1945, इंक्लूडिंग पैरिटी बिटवीन द व्हाइट कलर एंड द वर्कर। और 1945 के बाद ये जो वर्कर्स जो थे अफ्रीका में, इन्होंने भी क्या किया कि जिस तरीके से जो गोरे लोग हैं उनको जो जो फैसिलिटीज मिल रहे, उनको जो जो सैलरीज मिल रही, वो हमको भी मिलनी चाहिए करके इन्होंने जो है क्या किया, प्रोटेस्ट करना जो है स्टार्ट कर दिया। However, this struggle did not develop into the nationalist freedom movement. हाँ, लेकिन ये जो इन्होंने जो स्टार्ट किया वर्कर्स लोगों ने, ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि नेशनल मूवमेंट बन जाए, ठीक है, बहुत वीक था, कुछ ही लोग इसमें पार्टिसिपेट करते थे। दिस वॉज बिकॉज ऑफ वर्किंग क्लास वॉज स्प्रेड अक्रॉस द इंटायर कॉन्टिनेंट, सो देयर स्ट्रगल वेयर मोर इन द नेचर ऑफ पैन अफ्रीकन मूवमेंट रेदर देन द इंडिविजुअल कंट्री स्पेसिफिक मूवमेंट। और ये क्या हो गया, जो भी ये मूवमेंट स्टार्ट करते थे वो किसी पर्टिकुलर लोगों को करते थे, मतलब जैसे वर्कर्स लोग का अलग हो गया, बिजनेसमैन वालों का अलग हो गया, वहां पर सबके सबका जो है एक साथ जो है ऐसा कोई भी नहीं था कि वो सब एक साथ संगठित होकर, एक साथ यूनाइट होकर जो है क्या बोलते हैं फ्रीडम के लिए क्या करें, वो फाइट करें, ऐसा नहीं था, सब अपने अपने लिए लड़ रहे थे। द रिजल्ट वॉज दैट द वर्किंग क्लास डेवलप्ड अ सेंस ऑफ पैन अफ्रीकन ब्रदरहुड एंड द यूनिटी इन देयर स्ट्रगल अगेंस्ट द इंपीरियलिज्म। लेकिन धीरे धीरे अब वहां पे मिडिल क्लास इमर्ज हुआ, और इसी मिडिल क्लास ने बाद में सारे अफ्रीकन को एक साथ लाया, और एक साथ लाने के बाद जो है उन्होंने नेशनल मूवमेंट जो है स्टार्ट किया। अमंग द अफ्रीकन कॉलोनीज नन ऑफ द अंडर फ्रेंच रूल हैड एस्टैब्लिश्ड द सिस्टम ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट इवन अप टू द 1956, बट द कॉलोनीज डिड एंजॉय अ लिमिटेड राइट टू द पार्टिसिपेट इन द फ्रेंच पार्लियामेंट इलेक्शन। अब देखो, मतलब कई साल बाद नेशनल मूवमेंट के बाद अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रीज जो है क्या हो गए, इंडिपेंडेंट तो हो गए, लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी थी जो कि फ्रांस से अलग नहीं होना चाहती थी, वो फ्रांस के साथ ही मिलकर क्या चाहती थी कि बने रहें करके। और वहां पर थोड़े दिन बाद क्या हुआ कि जो फ्रांस का जो पार्लियामेंट था जहां पर लोग इलेक्ट होकर जाते थे, वहां से अब अफ्रीका के लोग भी क्या होने लगे, इलेक्ट होकर जाने लगे, अफ्रीका के लोग वहां पर रिप्रेजेंटेटिव बनने लगे। अफ्रीकन रिप्रेजेंटेटिव बीइंग इलेक्टेड टू फ्रेंच असेंबली एंड द सम ऑफ देम इवन बिगन मिनिस्टर। इवन अफ्रीका के लोग अब सिलेक्ट होकर जाने लगे फ्रांस पार्लियामेंट में, अफ्रीकन लोग जाने लगे, और कुछ लोग तो मिनिस्टर भी बन गए। बट देयर वॉज नो सेल्फ गवर्नमेंट इन द अफ्रीकन कॉलोनीज। लेकिन अभी भी अफ्रीका में खुद की गवर्नमेंट नहीं थी। किसकी गवर्नमेंट थी? फ्रांस की गवर्नमेंट थी, ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी, बस ये उसके एक मेंबर थे। द फ्रेंच डिफीट इन वियतनाम चेंज्ड द सिचुएशन इन अफ्रीका। In that same year, the Algerian people launched a war liberties against the France colonies continued in 1958 when the Algeria was granted independence. देखो, उसी समय क्या हुआ कि अफ्रीका में एक कंट्री है अल्जीरिया करके, ठीक है, अल्जीरिया के लोगों ने क्या किया, फ्रांस के अगेंस्ट जो है वॉर डिक्लेयर कर दिया और बोला कि हम आपसे लड़ेंगे, जब तक लड़ेंगे तब तक आप फ्रीडम ना दे दो करके। और फाइनली फ्रांस को अल्जीरिया के सामने हारना पड़ा और अल्जीरिया को इंडिपेंडेंट करना पड़ा। In Egypt, the nationalist government took over the control of a major transport channel, the Suez Canal, in 1956, which led France to join hands to the Britain to attack it. अब देखो, यहाँ पर एक तो अल्जीरिया का काम खत्म हो गया और फ्रीडम हो गया। एक कंट्री था इजिप्ट। इजिप्ट ने क्या किया था? एक कैनल के बारे में आपने सुना होगा, स्वेज कैनल करके, ठीक है, जो कि आपको बोल सकते हो ब्रिटेन और फ्रांस को जो एक तरीके से जोड़ता है। आप मैप में देखना, स्वेज कैनल आपको दिखेगा। तो इजिप्ट ने क्या किया था कि एक ट्रांसपोर्टेशन जो चैनल था स्विस कैनल, इसको जो है क्या किया था, इसने अपने कब्जे में ले लिया था। मतलब अब स्विस कैनल एक ऐसा, उस समय तो मैंने बताया ना एरोप्लेन वगैरह उतने ज्यादा नहीं हुए थे, तो सारा का सारा जो ट्रेड होता था सी रूट के थ्रू होता था, आना जाना सब चीज। तो यहाँ पर स्विस कैनल जो था वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रूट था जिससे पूरा का पूरा अफ्रीका, पूरा एशिया, यूरोप कंट्रीज जो है क्या होती थी, इससे कनेक्ट होती थी। तो इस पर कंट्रोल किसने कर लिया था? इस पर कंट्रोल जो है इजिप्ट ने कर लिया था। तो इसके कारण से फ्रांस और ब्रिटेन गुस्सा हो गए और उन्होंने इजिप्ट पर जो है क्या कर दिया, हमला बोल दिया कि तुमने हमारे रूट को जो है कैसे कैप्चर कर लिया करके। बट द इंपीरियलिस्टिक वेयर डिफेडेड इन द इंसुरिंग वॉर। लेकिन ये दोनों इतनी पावरफुल कंट्रीज थी, ब्रिटेन और फ्रांस, लेकिन फिर भी एक छोटे से कंट्री इजिप्ट से ये हार गए। द डिफीट मेड इट क्लियर टू बोथ कंट्रीज दैट दे वुड हैव टू ग्रांट द फ्रीडम टू देयर अफ्रीकन कॉलोनीज। और इस वॉर ने इनको सबक सिखा दिया कि अब हमको फ्रांस और ब्रिटेन को क्या करना पड़ेगा, जो अफ्रीका में जो क्या बोलते हैं जो कंट्रीज हैं उनको इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा ही करके।
In 1958, France announced a referendum in all its colonies saying it would be grant independence to whichever country opted to the freedom. और फिर फाइनली जब वॉर से हार गए इन लोग तो 1950 में 8 में जो है फ्रांस ने ये अनाउंस किया कि हम लोग एक रेफरेंडम कराएंगे. रेफरेंडम का मतलब क्या होता है, एक वोटिंग कराएंगे कि कौन कौन सी कंट्रीज फ्रांस से अलग होना चाहती हैं करके. और उन्होंने बोला कि जो कंट्रीज अलग होना चाहती है वो हो सकती है करके. Many of the large colonies voted for independence from the France, but some smaller countries opted to stay with their colonies masters. बहुत बड़े बड़े जो कंट्रीज थे उन्होंने वोटिंग किया कि हम फ्रांस से अलग होंगे करके, लेकिन जो छोटे छोटे जो कंट्रीज थे उन्होंने बोला कि हम अलग नहीं होंगे, हम फ्रांस के साथ ही रहेंगे. By 1960, they signed treaties with the France under which the French would continue to play an important role in the areas such as defense, education, economics, development. और फिर 1960 के आसपास जो है जो छोटी छोटी जो कंट्रीज थे जो फ्रांस से अलग नहीं होना चाहते थे उनके साथ फ्रांस ने एक ट्रीटी साइन किया और बोला कि आप अपने इंटरनल मैटर को देखो, हम आपके यहाँ एजुकेशन सिस्टम को, इकोनॉमिक सिस्टम को और डिफेंस सिस्टम को देखेंगे, बाकी आप लोग खुद देखो करके. जैसे एक समय इंडिया जो था वो भूटान को करता था, मतलब 1980s या 1990s के आसपास जो है भूटान में इंटरनल मैटर्स को वहां के किंग सॉल्व करते थे, बाकी भूटान का जो भी फॉरेन रिलेशन होगा, एजुकेशन होगा, इकोनॉमिक्स होगा, डिफेंस होगा, वो उसको इंडिया देखता था. उसी तरीके से वहां पर भी छोटे कंट्रीज ने फ्रांस के साथ ट्रीटीज साइन की. द मेन रीजन फॉर देयर कंटिन्यू डिपेंडेंस ऑन द फ्रांस वॉज दैट देयर कंट्रीज लैक्ड क्रेडिबल लोकल लीडर्स. अब इन कंट्रीज का इंडिपेंडेंट ना होने का सबसे बड़ा कारण क्या था कि यहाँ पर कोई लोकल लीडर नहीं था जो कि इनको लीड कर सके. So they felt they needed French support until they could achieve a degree of stability. तो इन छोटे कंट्रीज को लगा कि अगर हम लोग अभी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो हमारा कंट्री संभल नहीं पाएगा, तो हमारे कंट्री को संभालने के लिए, स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए जो है हमको इन्हीं के साथ रहना पड़ेगा. किसके साथ? फ्रांस के साथ. Political analysts see this relationship as a form of new colonialism in which the colonies enjoy limited freedom while the France continued to control their economics and the education system. वहीं पर जो कुछ इकोनॉमिस्ट थे, कुछ पॉलिटिकल एनालिस्ट थे, वो क्या सोचते थे कि ये एक नई तरीके का क्या है, कॉलोनिज्म है, जिसमें कुछ पावर्स जो है कंट्रीज को दी गई है, बाकी सारे पावर्स तो जो जो कॉलोनी बनाने वाले कंट्री थे वही इंजॉय कर रही है करके. With regard to British colonies, Britain was taken in the reducing its expenditure on its colonies because it was passing through the difficult economic times. जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, ब्रिटेन भले जीत गया था लेकिन उसको इतना सारा खर्चा हो चुका था, उसने अमेरिका से इतने सारे लोन ले रखे थे कि उसकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या हो गई थी, खराब हो गई थी. तो अब वो अपने कॉलोनीज कंट्रीज पर ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहती थी. एक सबसे बड़ा रीजन इंडिया का इंडिपेंडेंट होने का ये भी है, नेशनल मूवमेंट नो डाउट वन ऑफ द रीजन है, सबसे बड़ा रीजन है, लेकिन दूसरा जो जो उसमें रीजन जो है वो है ब्रिटेन का इकोनॉमिक कंडीशन का खराब हो जाना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद. तो वो चाहता था कि अब वो इंडिया पर खर्च ना करे. उसी तरीके से वो फ्रांस की कंट्रीज, मतलब अफ्रीकन कंट्रीज पर भी चाहता था कि खर्च ना करे करके. इसीलिए उसने धीरे धीरे सारे कॉलोनीज को जो है इंडिपेंडेंट करना स्टार्ट किया था. हेंस इट इज ऑल्सो ऑफर्ड अ सिमिलर प्रपोजल टू इट्स कॉलोनीज इन 1960s, प्रोमाइसिंग इंडिपेंडेंस टू दोज कॉलोनीज ऑप्टिंग फॉर फ्रीडम. लार्ज कंट्रीज लाइक नाइजीरिया एंड द घाना एक्सेप्टेड दिस प्रपोजल एंड द गेन देयर इंडिपेंडेंस. बड़े बड़े कंट्रीज जो थी, मतलब नाइजीरिया, घाना, इन्होंने क्या किया, अलग होना सही समझा. बट मेनी अदर कंट्रीज विच हैड लार्ज सेटलमेंट ऑफ द पीपल ऑफ द यूरोपियन डिसेंट हु फियर्ड देयर स्पेशल राइट्स एंड द प्रिविलेज वुड बी अकम्प्लिश्ड इफ द कॉलोनीज बिकम फ्री अपोज्ड टू मूव. अब देखो बहुत सारे कंट्रीज जो थी उन्होंने तब ब्रिटेन से बोला कि हाँ हाँ हम आपसे इंडिपेंडेंट होंगे, अलग रहेंगे करके. लेकिन बहुत सारे कंट्रीज ऐसे थी जहां पर जो है गोरे लोग बहुत ज्यादा थे, मतलब जहां अफ्रीका में भी बहुत सारे ऐसे जगह है जहां पर जो है ब्रिटेन के लोग जाकर बसे हुए थे. तो जहां जहां पर ब्रिटेन के लोग बसे हुए थे वो ये चाहते थे कि ये कंट्री अलग ना हो. जैसे फॉर एग्जांपल एक कंट्री है, मान लेते हैं वहां पर जो है जैसे रोडेशिया, जिसको जिम्बाब्वे बोलते हैं, ठीक है. तो जिम्बाब्वे में बहुत सारे क्या है, ब्रिटेन के लोग रहते हैं. अब ब्रिटेन के लोग वहां पर रहते हैं तो उनको स्पेशल पावर मिला हुआ है कि वो गोरे लोग हैं, उनको ज्यादा पैसा मिलेगा, ज्यादा ये होगा, एडवांटेज होगा, सब चीज उनको मिला हुआ है. अब अगर जिम्बाब्वे अगर इंडिपेंडेंट हो जाएगा तो ये जो गोरे लोग जो वहां पर पहले ज्यादा पावर इंजॉय करते थे, अब उनकी पावर कम हो जाएगी. तो ये चाहते थे जहां जहां पर गोरे लोग थे, जहां पर ब्रिटेन के लोग थे, वो चाहते थे कि जहां पर हैं वो कंट्री इंडिपेंडेंट ना हो, क्योंकि उससे उनकी पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. The African people in the countries continued to have no political rights even after the independence was declared because they were ruled by their white minorities. अब देखो बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज इंडिपेंडेंट तो हुए लेकिन उनको प्रॉपर राइट्स नहीं मिला. क्यों प्रॉपर राइट्स नहीं मिला? क्योंकि उसको अभी भी कंट्रोल कौन कर रहे थे?
भले ही वो कंट्रीज इंडिपेंडेंट हो गई थी नाम मात्र के लिए, लेकिन वहां पर जो गोरे लोग रहते थे वो कंट्रोल करना चालू कर दिए थे, ब्रिटेन नहीं करता था, ब्रिटेन के लोग जो वहां जाकर बसे थे वो कंट्रोल करना चालू कर दिए थे। मतलब ये है जैसे मान लो हमारे इंडिया को बोल दिया गया कि आप इंडिपेंडेंट हो, हम नाम मात्र के, मत जस्ट एग्जाम्पल बता रहा हूँ ना, हम नाम मात्र के लिए इंडिपेंडेंट थे, लेकिन बहुत सारा जो रूल था वो कौन करते थे, जो इंडिया में पहले से जो गोरे लोग रहते थे जो अपना घर बना लिए थे वही लोग राइट करेंगे। उसी तरीके से अफ्रीका में भी हुआ, अफ्रीका के कुछ कंट्रीज ब्रिटेन से अलग तो हो गए लेकिन उन कंट्रीज में जो ब्रिटेन के लोग रहते थे वो रूल करना चालू कर दिए थे। हु अडॉप्टेड अपार्टाइड पॉलिटिक्स टू सेफगार्ड देयर पावर एंड अथॉरिटी। अब वो क्या करते थे, अपने लिए ही मतलब रूल्स वगैरह बनाते थे, वो ये चाहते थे कि हमारी पावर जो है कम ना हो करके। ब्रिटेन कुड नॉट इफेक्टिवली अपोज दिस अथॉरिटेरियनिज्म बिकॉज द ब्रिटिश वेर नॉट प्रिपेयर टू एंटागोनाइज फॉर द फाइट ऑफ द व्हाइट माइनॉरिटी। ब्रिटेन इन चीज को संभाल नहीं पाया। द अफ्रीकन पीपल हैड टू वेज अ लॉन्ग एंड डिफिकल्ट स्ट्रगल टू फाइट रिस्टोरिंग द रेंजेस ऑफ द मेथड इंक्लूडिंग द गोरिल्ला वॉर वॉरफेयर एज वेल एज नॉन वायलेंस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट टू गेन देयर फ्रीडम। अफ्रीका के लोगों को जो है बहुत सारा फाइट करना पड़ा। पहले तो ब्रिटेन और फ्रांस से अलग हो गए लेकिन उनके यहाँ ही जो ब्रिटेन और फ्रांस के जो लोग थे वो रूल करना चालू कर दिए थे। ठीक है, तो इसके कारण से अफ्रीका के लोगों को सेल्फ गवर्नमेंट बनाने के लिए जो है काफी स्ट्रगल करना पड़ा। और जब तब जाके अफ्रीका, जैसे अफ्रीका है 1991 में जाके नेल्सन मंडेला ने क्या क्या था ये देखो, जिस तरीके से हम लोग अपने यहाँ जो है गांधी जी को मानते हैं ना, उसी तरीके से अफ्रीका को जो है इंडिपेंडेंट कराने में नेल्सन मंडेला का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो जिस तरीके से हमारे नेशनल फादर है उसी तरीके से अफ्रीका का नेशनल फादर जो है वो नेल्सन मंडेला है। तो उन्होंने क्या किया था, 1991 तक जेल गए, कई बार स्ट्राइक किया, बहुत सारे काम किए, तब जाकर वो क्या हुए थे, फ्री हुए थे। The history of African colonies and their freedom struggle thus had owned the special characteristic for one, even though colonies rule had weakened and the traditional power structure is most in the colonies, tribal loyalties still prevented the emergence of the binding national spirit among the people. अब ये बोल रहा है कि अफ्रीका इंडिपेंडेंट हो गया 1990s में, उसके बाद वहां पर जो ट्राइबल्स लोग थे वो भी एक नहीं हो पाए, वहां पर गवर्नमेंट के साथ सेटलमेंट नहीं हो पाए, वो अलग रहते थे आज भी, ये सब दुनिया भर की चीजें आपको बताइए। Another defeating feature of the African freedom struggle was the absence of the strong middle class. अब देखो अफ्रीका का इतना लेट फ्रीडम होने का रीजन क्या है, वहां पर मिडिल क्लास नहीं थी। ठीक है, एंड द स्ट्रॉन्ग मर्चेंट कैपिटलिस्ट क्लास, ना तो वहां पर प्रॉपर मिडिल क्लास थी ना ही कुछ अच्छे रईस लोग थे जो बिजनेस कर सके या कोई कर सके करके, इन्हीं इनको इतना टाइम लगा। और प्लस लैक ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटी, वहां पर मिडिल क्लास मतलब हाई स्कूल और प्राइमरी स्कूल ही थी, इसके कारण से एजुकेशन भी वहां पर नहीं फैल पाया था। ठीक है, नन ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज हैड एन इफेक्टिव आर्मी भी नहीं थी, एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं था, एजुकेशन सिस्टम भी नहीं था। इन सब एग्जाम्पल के कारण से अफ्रीका को इंडिपेंडेंट होने में इतना टाइम जो है लगा था। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि नाइजीरिया किस तरीके से इंडिपेंडेंट हुआ, वहां किस तरीके से नेशनल मूवमेंट जो है चला था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अच्छे से वीडियो को देखते रहो, बाय बाय।